नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, बिहार लाइबेन बहाली 2023, लाइबेन बहाली पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, बोले इसी माह में आएगा विज्ञापन। तो दोस्तों एक पेपर का जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ से वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षा मंत्री बता रहे हैं बिहार लाइबेन की बहाली कब आ रही है, कितने पदों पर आ रही है, जो कि इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप करके हम बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आप लोग के द्वारा कल बिहार लाइबेन के सिलेबस पर वीडियो बनाए थे, तो बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट भी किया था, तो दोस्तों उसका भी आंसर इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और शिक्षा मंत्री बिहार लाइबेन पर क्या बोले हैं, सबसे पहले चलिए वह पेपर कट हम आपको दिखाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ से वायरल हो रहा है। सो एक जगह देख लीजिए दोस्तों, शिक्षक नियुक्ति की नियमावली का विरोध अनुचित, शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा एक शिक्षक नियुक्ति के लिए बनी नियमावली का विरोध अनुचित है। यह बिहार को युवाओं के लिए बड़ा अवसर है, बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है, इसे अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। यह बिहार की बेरोजगारी दूर करने सरकार की बहुत बड़ी पहल है। मंत्री ने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति का विरोध किसी स्तर पर सही नहीं है। आगे देख लीजिए, छोटा ही पेपर कट है, जो कि छोटा ही अगर पेपर लेते हैं तो पेपर में देख सकते हैं, जो कि हिंदुस्तान का है, और राजहित में इसका विरोध नहीं करना चाहिए, इसे गलत संदेश जाएगा। यदि वे इसे लटकाना चाहते हैं तो यह बेरोजगार युवाओं के हितों के लिए प्रतिकूल होगा। ऐसे में वे सरकार की पहल का समर्थन करें और शिक्षकों की कमी से जूझ रहे राज्य की मदद करें। मंत्री ने कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सीएसपी आगे दिया हुआ है। दोस्तों आपके मन में आ जाएगा इसमें जो इसमें है बिहार लाइबेन के बारे में कहाँ दिया गया था। दोस्तों आपको ही पता है जो बीपीएससी ने सिलेबस के 2 से 3 दिन में सिलेबस जारी करेगा और बोला है अगस्त में हम एग्ज़ाम ले लेंगे। हम अब बता दिए हैं जो इस बार शिक्षा विभाग इस बार शिक्षा मंत्री भी बोले और शिक्षा विभाग भी इस बार बोला है एसटीईटी ऑर्गेनाइज करेगा। तो एसटीईटी ऑर्गेनाइज करेगा तो उसमें क्या है बिहार लाइबेन के जो है पात्रता परीक्षा हो जाएगा, जैसे ही हो जाएगा। हम कल भी एक वीडियो बनाए थे, हम सिलेबस भी आपको बता दिए हैं, टोटल आपको 7232 पदों पर वैकेंसी निकल के आ रही है, क्योंकि अभी तक शिक्षा विभाग के आग्रह इतना ही है पूरे बिहार से आया है। पदों की संख्या बिहार लाइबेन की पदों की संख्या 7232 आया है। तो दोस्तों जुलाई से अगस्त बीपीएससी एग्जाम लेगा, उससे पहले शिक्षा विभाग आपको एक एसटीईटी करवाएगी पात्रता परीक्षा, जिसमें बिहार लाइबेन के 7232 पदों पर पात्रता परीक्षा होगी। तो दोस्तों कल सिलेबस बता दिए हैं, सिलेबस हम अच्छा से बता दिए हैं, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट किया था जो आपको कहाँ से पता हो जाता है, आप कहाँ से ले आते हैं सिलेबस, अभी तक बिहार सरकार जारी भी नहीं किया। तो दोस्तों आप एक बार सर्च कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, गूगल में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। घर बैठे बोलिएगा, कमेंट करने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ता है और इन्फॉर्मेशन लेकर सही और सटीक जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए ऐसा ही वीडियो पाने के लिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री स्पष्ट रूप से कह दिए हैं जो शिक्षा नियमावली बना है उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। स्टूडेंट जो विरोध कर रहा है वह सही नहीं कर रहा है। 2 से 3 दिन में बीपीएससी आपको सिलेबस जारी करेगी, 20 मई से विज्ञापन जारी हो जाएगा बिहार में 7वें चरण शिक्षक बहाली की, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगी। 15 से 20 दिन आपको फॉर्म भरना है, लगभग 1 महीना चलेगा फॉर्म त्रुटि और फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा। उसके बाद अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा, उससे अगस्त के पहले या अगस्त के बाद अभी कंफर्म नहीं हुआ है, शिक्षा विभाग भी एसटीईटी ऑर्गेनाइज करेगी, जिसमें बिहार लाइबेन के लिए पात्रता परीक्षा ऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।